तो जो आज का हमारा वीडियो बनने वाला है वो मतलब स्ट्रक्चर के ऊपर है, मतलब मूर्ति का स्ट्रक्चर बांस का मतलब कैसे बनता है। तो मैं इसमें बनाते हुए नहीं दिखाऊंगा आपको, मतलब बना बनाया हुआ है समझा दूंगा कैसे क्या करना है। तो ये गणेश जी का मूर्ति बन रहा है, 2 फुट का मूर्ति बनेगा। तो ये उसका स्ट्रक्चर है, देख लीजिए आप इसको कैसे हम बनाए हैं, ध्यान से देखिए। ये अब कील मार के इसको हम छेद करके बनाना चाहते हैं, लेकिन समय ज़्यादा नहीं था छेद वेद करने का, तो ऐसे ही हमने डायरेक्ट मार दिया। ठीक है, एकदम सिंपल मूर्ति बनेगा गणेश जी का। साइड साइड में मतलब गद्दी बनेगा, उसके बाद में बीच में गणपति जी का मूर्ति रहेगा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर देख लीजिए, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कम्प्लीट मूर्ति 2.5 फुट की बनेगी। 2 फुट मतलब ऐसे रहेगा, मुकुट उकुट लगने के बाद 2.5 फुट ये जाएगा। ठीक है, तो ये मतलब स्ट्रक्चर देख लीजिए, आप समझ लीजिए कैसे बनाना है इसको। एक और बनाए हैं छोटा मूर्ति का, वही साइज है ये भी, इसमें मैंने छेदा कर दिया है बीच में, तो देख लीजिए आप सभी लोग। तो इसमें क्रॉस ज़रूर मार दीजिएगा, देखो हमने मारा है इसको, देख लीजिए मार देंगे तो बैलेंस बराबर रहेगा, मतलब हिले डुलेगा नहीं, तो इसका ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। ठीक है, उसके बाद में आइए थोड़ा मतलब बढ़ते हैं अगले मतलब स्ट्रक्चर की तरफ। तो हम ले चलते हैं आपको, दूसरा स्ट्रक्चर दिखाते हैं। ये एक दो हो गया, ये बड़ा मूर्ति का लगभग मान के चलिए 4 फुट मूर्ति का ये बना है। ठीक है, इसको सिंपल एकदम हमने बना दिया है, बहुत ज़्यादा बांस वांस नहीं लगाया, मतलब बना दिया, मजबूती है काम भर का। तो इसमें हमने 3 मतलब वो मतलब छेद करके बनाया, इसमें मजबूती पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि बड़ा मूर्ति है थोड़ा, तो इस पर मतलब मैंने छेद करके मतलब लगाया। ये मूर्ति मतलब मैंने बनाया था दुर्गा जी के लिए, तो ये मतलब इसका यूज मैं कर रहा हूँ गणपति में, समय नहीं है क्योंकि बनाने के लिए मूर्ति, तो बना बनाया हुआ था उसी में मैंने ठोंक दिया। ये 2 छेदा एक्स्ट्रा पड़ा है, इसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, इसको छोड़ दीजिएगा आप सभी लोग। इसको हम दे सकते थे लेकिन नहीं दिए, हम 3 पे ही खड़ा कर देंगे, बहुत बड़ी मूर्ति नहीं है, 3 फुट का दुर्गा गणेश जी रहेंगे, कंप्लीट होने के बाद 4 साढ़े 4 फुट जाएगा। ठीक है, तो ये मतलब बढ़िया से देख लीजिए। ठीक है, कैसे क्या बना है इसमें, तो वही सब मैं मतलब थोड़ा बहुत कमेंट्स के ऊपर, आपके बहुत सारे दोस्तों ने हमारे कमेंट किया था कि मतलब सेकंड पार्ट डालिए, तो मतलब बहुत लोग को समझ में नहीं आया था मतलब ये स्ट्रक्चर कैसे बनता है, तो उसी के लिए मैंने ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, मतलब आप सबके नॉलेज के लिए, आप सबको थोड़ा बहुत नॉलेज मिले। हाँ, तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। एक मैंने एकदम सिंपल बनाया है, देखो एकदम सिंपल गणेश जी का, एकदम मतलब कुछ नहीं रहेगा, खड़ा बनाना है इसमें मूर्ति, तो एकदम सिंपल हमने इसको खड़ा है, 3 बांस को मैंने इसे खड़ा कर दिया है। ठीक है, मजबूत ये भी रहेगा, बढ़िया मजबूत रहेगा, तो ये मतलब सिंपल है, एकदम कुछ नहीं रहेगा इसमें, खड़ा करके बना देंगे। और ये मतलब बड़ा मूर्ति के लिए दुर्गा जी का स्ट्रक्चर है, देख लीजिए लगभग मनेगा 6 साढ़े 6 7 फीट का मूर्ति इस पर जाएगा। तो इस पर छेदा मतलब 6 छेद करना है, देख सकते हैं आप 6 छेद इसको, मतलब मैं अगर टाइम मिलेगा तो मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कैसे क्या करना है। तो ये बांस आपको मैं दिखा रहा हूँ, इस पर मतलब मैं थोड़ा मतलब ऊंचा का टाइप में बनाऊंगा इसको, तो इसके लिए मतलब हमको आगे से मतलब थोड़ा मतलब 2 खूंटा काटना पड़ेगा इसमें, 2 3 खूंटा लगेगा इसको, मतलब अगर टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर डाल दूंगा। और एक स्ट्रक्चर ये है दुर्गा जी का है, मतलब ये शेरावाली का मतलब स्ट्रक्चर है, देख लीजिए। तो ये भी मतलब उसी मॉडल है जो गणेश जी का हमने दिखाया, तो वही मॉडल है, तो ये दुर्गा जी का है, तो इस पर दुर्गा जी का बधाई होगा, मतलब मान चलिए 4 फुट मूर्ति रहेगा इस पर। पीछे वाले पे जो मैंने 3 छेद मतलब 5 छेद किया है, बीच में है, साइड साइड में है, तो इस पर हमारा डिजाइन। यहाँ पे हमने एक दुर्गा जी का बांधा है मूर्ति, तो देख लीजिए वो वाला मैंने मतलब स्किप कर दिया थोड़ा, ये दुर्गा जी का हमने मूर्ति बांध दिया है, देख लीजिए ये। ठीक है, ये लगभग 2 फुट का है, हमने इसको बनाया है, देख सकते हैं आप, इसका मैंने पैरा वैरा का बंधाई वंधाई सब कर दिया है इसमें, मतलब ये मूर्ति बन जाएगा। तो एक बार मतलब कमेंट्री बॉक्स में मैं इसका फ़ोटो अपलोड कर दूंगा, देख लीजिएगा आप सब जाके। बनाते हुए नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है, अकेले पड़ गया हूँ की बार, तो मतलब देखते हुए, तो थोड़ा स्टाइल में मैंने इसको कर दिया। ठीक है, तो आप सब समझ सकते हैं इसको क्या करना है। तो ये वही वाला स्ट्रक्चर है जो मतलब हमने दिखाया था आपको एक बार, मतलब एक वीडियो मैंने अपलोड किया था, मतलब छोटा वाला 2 फुट मूर्ति का, तो वही है सेम, यही उसी पे बना है ये पूरा, देख लीजिए, बहुत ज़्यादा मतलब खास नहीं है, लेकिन तब पर भी आपके लिए मतलब नॉलेज पढ़ाने के लिए बहुत है। देख लीजिए कैसे हमने किया है इसको, सपोर्ट इस पर क्या क्या दिया है हमने, देख सकते हैं। तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, डालता रहूँगा। ठीक है, जय माता दी।